Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affair series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. बच्चे यूपीएससी के अंदर जब भी हम देखते हैं तो हमारा ना इकोलॉजी वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सिंपल सा कारण है उसका कि हमारा जो मेंस होता है आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का उसका जो प्री है वो को करता है विद योर सिविल सर्विसेज के प्री के साथ में एक ही प्री है और आपके सिविल सर्विसेज भी उसके अंदर है और फॉरेस्ट सर्विसेज भी उसके अंदर जो है इंक्लूडेड है फॉरेस्ट सर्विसेज का मेन्स जो है वो अलग से होता है राइट आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे ये भी कुछ इकोलॉजी से ही आता है बेसिकली ये है यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वर्ल्ड रेस्टोरेशन इसी में नाम क्लियर हो रहा है. वो वाले जो या जस्ट टिपिंग पॉइंट पे है जैसे लिखा हुआ है, है ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर इनिशिएटिव है राइट right? क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं इसको और फिर ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी जो इन्होंने लिस्ट प्रिपेयर करी है अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी सात लोकेशन के अंदर ये है क्योंकि इनकेस अगर आपको कोई सवाल आता है अदर देन दिस पर्टिकुलर थिंग तो वो जो सात के साथ लैंडस्केप्स हैं वो एक तरह से हाईलाइट हो गए हैं वो इंपॉर्टेंस में आ गए हैं राइट तो एटलीस्ट आपको उन सात लैंडस्केप्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए कि वो उसकी लोकेशन क्या है राइट right? और उसका जो जियो मोर्फॉलोजी आसपास के एरिया की क्या है मेजर रिवर्स ये वो छोटी मोटी बातें जो होती हैं उसकी कि आपको एरिया पता है या नहीं है वो वाला रहा है राइट तो वो आप मैं सात एरियाज की लिस्ट आपको आज ही दे दूंगा थोड़ा बहुत बता भी दूंगा और अगर आप चाहो तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आप कवर कर सकते हो आइए बच्चे देखते हैं तो बेसिकली ये जो वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप का प्रोग्राम है पहले तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन प्रिपेयर करना कि ये किसका है द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यू इत, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए बच्चे right? सवाल में, कि में आ सकता है इन दोनों में से किसी एक एजेंसी को चेंज कर देगी यूपीएससी जैसे दो ऑप्शन आते हैं ना दो स्टेटमेंट्स आती हैं और पूछते हैं कितनी करेक्ट है कितनी इन है कुछ इस टाइप का सवाल आता है वन ओनली टू ओनली नाइदर बोथ ऐसे करके सवाल आता है जो उसके अंदर ही आ सकता है और वो डेफिनेटली इसको चेंज करेंगे यूएनईपी को यू कर देंगे है ना कुछ इस टाइप की चीज कर देंगे तो आपने याद रखना है इस चीज को इन्होंने क्या किया है इनिशिएटिव्स फ्रॉम बेसिकली अराउंड दी वर्ल्ड अफ्रीका लैटिन अमेरिका मेडिटेरेनियन साउथ ईस्ट एशिया एज यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स ठीक है जी

सपोर्ट भी मिलती है उसके बाद में उनके पास में ना सीधा सीधा यूएनईपी का एक्सेस आ जाता है यूएन जितने प्रोग्राम चल रहे हैं तो दे कैन एक्सेस दो प्रोग्राम है ना आप आप और मैं तो नहीं ऐसे यूएनईपी को कर सकते कि यार हमारे घर के पास में वो छोटा सा एरिया है वो जंगल टाइप है उसको प्रिजर्व करना यूएनईपी से सपोर्ट नहीं आएगी ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू जब उन्होंने

है ना दिस डेकेट इज गोइंग ऑन राइट नाउ लेड बाय ईपी एफ एक ये भी इंपॉर्टेंट है है ना कि जो यूएन एन डेकेट ऑन इकोसिस्टम एंड रेस्टोरेशन है वो कौन लीड कर रहा है तो वो आपका यूएनईपी और एफ है यूएनईपी जो यूएनईपी आपका देखता है इन्वायरमेंट वाला पोर्शन एफ आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो है मेजर मेजर चीजें वो एफ देखता है राइट जितने भी इनिशिएटिव आपको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर देखने को मिलते हैं मेजरली वो एफ के थ्रू ही चल रहे होते हैं बच्चे आइए और वो आपका एनवायरमेंट का इकोलॉजी का बहुत गहरा पार्ट है विच एम्स टू प्रिवेंट क्या करता है track, track, of area and area ये हॉल्ट एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम ऑन एवरी कॉन्टिनेंट इन एंड इन एवरी ओशन ठीक है बच्चे अवॉट्स ट्रैक नोटेबल इनिशियटिव दैट सपोर्ट ग्लोबल कमिटमेंट्स ट्रैक नोटेबल इनिशियेटिव दैट सपोर्ट ग्लोबल कमिटमेंट टू रिस्टोर वन बिलियन हेक्टेयर ऑफ एरिया एंड एरिया लार्जर देन चाइना यह इसी की बात हो रही है ठीक है इसी इनिशिएटिव के अंदर यही इसका प्लेज है कि वन बिलियन हेक्टेयर हमने जो है रिस्टोर करना है एरिया द कंबाइंड एफर्ट ऑफ इनिशियेटिव आर प्रोजेक्टेड टू रिस्टोर अप्रोसीमेटली फोर्टी मिलियन हैक्टेयर ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं सात जो हमारे इनिशियेटिव हैं उसके थ्रू ये बात हो रही है चलिए बच्चे देखते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं आई वुड सजेस्ट कि आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसके एटलीस्ट इसके थोड़े बहुत नोट जरूर बनाना इसके रिस्टोरिंग मेडिट्रेनियन फॉरेस्ट इनिशिएटिव और कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें LMTT ठीक है लेबनन मोरक्को ट्यूनीशिया एंड टर्की राइट इसके अलावा हमारे पास कौन सा है द लिविंग इंडस इनिशिएटिव अब ये लिविंग इंडस इनिशिएटिव इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्वड है पर मेजरली ये जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान की तरफ से ही है अप्रूव्ड बाय पाकिस्तान पार्लियामेंट है ना और ये का 27th कॉन्फ्रेंस कौन, जो हुई थी सीओपी हुई थी UNFCCC की एट शर्म अल शेख राइट उसके अंदर ये इनिशिएटिव जो शुरू हुआ था और अब ये इस पर्टिकुलर है यूएनईपी और कंट्रीज ये राइट ये, ये, <coughs> right? ये आपका साउथ अमेरिका इसके अलावा श्रीलंका मैंग्रोव रीजनरेशन इनिशिएटिव मैंग्रूव बच्चे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस साल uh, मतलब करंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं कैसे काम करते हैं साइंटिफिक वे और उसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ आप थोड़ा सा कवर करके रखोगे तो आपको सही रहेगा बच्चे इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड इसके अलावाज ड्राईलैंड इनिशियटिव एंड बच्चे दैट इज ऑल दीज आर दंथिंग दीडियो दिसन मिनट टू दीरिज स्पेशर योर प्रस एग्जामेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयरिस्टिकली for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IA's Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of Current Affairs. Number three, weekly tests on Current Affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.